कुलदीप राय शर्मा जी। रिस्पेक्टेड मैडम चेयरपर्सन जी, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार का ध्यान अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। मैम, जो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, ये इसमें जो लोग काम करते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, मुख्य सेविका, आंगनवाड़ी वर्कर, स्ट्रेटेजिकल असिस्टेंट और सीनियर इन्वेस्टिगेटर लोग, ऐसे लोग काम करते हैं। और भारत सरकार का जो ICTS का स्कीम है मैम, इसमें जो जितने काम है, इम्यूनेशन का काम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का काम है, हेल्थ चेकअप का काम है, आंगनवाड़ी स्कीम्स है, नेशनल क्रेच स्कीम है, पोषण अभियान है, ओल्ड एज होम स्कीम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, रेफरल स्कीम है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम है, ये सारे स्कीम्स के वो वहाँ पे काम करते हैं। और ये कोरोना के समय में भी इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के अंडमान निकोबार का जनता का भरपूर सेवा किया, उनको कोरोना से बचाया। अब जो तकलीफ और दुख का बात यह है मैम, पिछले 6 महीने से वहाँ के जो ये वर्कर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिला है, ऑनरेरियम नहीं मिला है। तो मैं पिछले वीक मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी मैडम से मिला था, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि उनके पेमेंट कराने के लिए, तो मैडम ने ये कहा था कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। मैं कल भी मैडम से मिलकर ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम से बात किया कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से यही विनती प्रार्थना करूँगा कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया है। 6 महीने से मैम उनके पास में पेमेंट नहीं है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस उन लोगों के बीच में है आज, कि उनका पेमेंट भी बहुत कम रहता है। तो आप जल्द से जल्द उनका पेमेंट कराएं, यही मेरे आपसे मांगे। थैंक यू।